वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लिए चलते हैं अर्थमेटिक के ऐसे चैप्टर जो कि हम पिछली क्लास में करा चुके हैं, तीन पार्ट आपको आज चार नंबर क्लास होने जा रहा है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। कितने इजी तरीके से हमने आपको लास्ट क्लास को कराया था, उसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चनों को जिनको टाइम बचाने का कैसे तरीका आपको बताए हैं। सबसे पहली बात है कि एग्जाम में आपको टाइम कैसे बचाना है, तो जो हम आपको ट्रिक बताएंगे वो ट्रिक एग्जाम में अप्लाई हो ऐसा ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले हम आपका बेसिक क्लियर करते हैं और उसके बाद बताते हैं आपको ट्रिक जो ट्रिक एग्जाम में अप्लाई हो पाए। जिसका बेसिक क्लियर नहीं होगा वो एग्जाम में ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सिर्फ 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कराएंगे। जिन क्वेश्चनों को आप करने में लगभग 20 से 30 सेकंड का समय ले लेते हो, आज उन्हीं क्वेश्चनों को सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व करवाएंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने आपको कई चीज बताई थी और आप एक तरीका बताते हैं आज जिसके बाद क्वेश्चन कराएंगे उसके माध्यम के, कि जैसे कि अभी कभी आपने देखा होगा कि 100 रुपए का यदि 10% घटा दें, 100 रुपए पर यदि 10% का लॉस होता है तो कितने रुपए बचेंगे। आपने यहां पर क्या करते हो, 10% लिखते हो, 10/100 इससे इसे काट देते हो, यहां पर जो आता है 10 आता है, 10 को दोबारा में से आप 100 में से माइनस करते हो तो जो आपका आता है 90। यही क्या होता है, 100 को यदि 10% से कम कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 90। अब हम इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं, ये हम एजी क्वेश्चन लेकर के बता रहे हैं, हम आपको एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चनों को एजी करने का क्या तरीका हो सकता है। तो देखिए यदि 100 को दे रखा है यहाँ पर, तो आप यदि 10% कम करने की बात कर रहा है तो आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कितना रह जाएगा, 90। यानी हमें 10% कम करना है, यानी हमें कितना निकालना है, 90% निकालना है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली 90% निकाल दें, तो 90/100 यानी 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, तो जो यहाँ पर आएगा वो कितना आ जाएगा, 90। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो हमें यदि डायरेक्ट उसका जो परसेंटेज पूछ रखा है, यानी 10% घटाने के बाद कितना बचेगा, तो आपको 10% नहीं निकालना, आपको निकालना है 90%, जिससे कि इसको सॉल्व करने में बड़ा इजी तरीका हो। हमें क्या करना है आपको, हमें आपका टाइम सेव करना है, किसी भी प्रकार से टाइम सेव हो आपका, सिर्फ और सिर्फ टाइम सेव करना है। तो क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, देखते रहिए। एक NTPC का क्वेश्चन है, रेलवे की दृष्टि से बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में भी रिपीट होता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि राजीव 6650 रुपए के सामान को क्रय करता है, वह इस पर 6% की छूट प्राप्त करता है, छूट पाने के बाद वह 10% की दर से विक्रय कर चुकाता है, क्रय किए गए सामान के लिए उसने कितनी राशि चुकानी होगी। वह 6650 रुपए की मूल्य की वस्तु लेता है, कितने रुपए की जो वो वस्तु लेता है वो कितने की लेता है, 6650 मूल्य की। 6650 क्या है उसका रेट है, सीपी है। अब सीपी है उसे, अब 6650 जो सीपी है उसका, लेकिन सीपी यहां पर इसलिए नहीं कह सकते इसको, क्योंकि उसे क्या मिल रहा है, डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा किस में मिलता है, एमपी पर। आप हमें सीपी को घटा सकते हैं, हटा सकते हैं यहां से, तो 6650 रुपये है वो क्या है, एमपी है। अब वो वहां पर कह रहा है कि यदि 6% का उसे डिस्काउंट दिया जाए, डिस्काउंट कितना, 6% का डिस्काउंट दिया जाए तो कितना बचेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले वो निकालते हैं कि 6% का डिस्काउंट, तो क्यों ना हम डायरेक्टली 94 निकालते हैं, 6650, तो हम डायरेक्टली कितना निकालते हैं, 94, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 94%। परसेंट को उठा करके हमने यहाँ पर नीचे 100 लिख दिया, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100। तो जिस प्रकार से देखा कि 6% डिस्काउंट दे रहा है, यानी उसे वो दे रहा है 94% में, तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन का डायरेक्टली 94% निकाल दें, तो 0 से 0 कट जाएगा, अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 times जाएगा, ये 1 time जाएगा, ये 3 times जाएगा, ये 3 times जाएगा, इस 2 से ये 4 times जाएगा, ये 7 times जाएगा। इनका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए आप तो कितना आएगा, इसका यदि आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई 47,
आप एक एक करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो यदि आपके पास टेन नहीं है। तो क्या करते हैं हम, सात इक्कीस वन आएगा, टू टाइम्स सात इक्कीस और दो पच्चीस, पच्चीस का पांच आएगा, सात बारह, सात इक्कीस, इक्कीस और दो तेईस, तो यहां दो आएगा, सात एकम सात और दो नौ, चार का थ्री टाइम्स, चाती है बारह दो वन, चाती है बारह एक तीन एक, चार एकम चार पांच, वन फाइव, नौ तीन दो, नौ तीन बारह का दो पांच और एक छह, यानी कितना हो जाएगा बासठ सौ इक्यावन। यदि ये बासठ सौ इक्यावन हो गया यहां से, यानी इसका चौरानवे परसेंट कितना हो गया, बासठ सौ इक्यावन। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या दे रखा है वो देखिए, अब क्वेश्चन में दे रखा था कि यदि उससे वो टैक्स भी लेता है यानी विक्रय कर भी लेता है कितना प्रतिशत, दस परसेंट, तो बताइए कि उसने इस सामान को खरीदने में कुल कितने रुपए खर्च किए। यदि वह 10% और देता है, इसका मतलब वो कितना देता है, 110% देता है इसका, किसका, इसका, ये 100% मार के चली है यहाँ पर, क्योंकि हमने इस 94% निकाल लिया। अब ये जो वस्तु है, लेकिन वो बासठ सौ इक्यावन रुपए, बासठ सौ इक्यावन रुपए में, 6251 रुपए में आपको दे रहा था, लेकिन उसमें आपको टैक्स भी पे करना पड़ा, इसलिए जो टैक्स लगेगा वो इतनी राशि पर देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है आप डायरेक्टली इस पर टैक्स लगा देते, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी तरफ से 6% का डिस्काउंट दिया है, तो आफ्टर डिस्काउंट आपको ज्ञात करना है कि टैक्स के बाद उस वस्तु की कीमत क्या रही होगी। 110/100 जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 11/10 आएगा। अब आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देख सकते हो, यहाँ से क्या करना है आपको, 11 का 1 टाइम जाएगा 1 आएगा, यहाँ पर हासिल आ जाएगा 1, 11 5 55, 55 1 56, 5 11 2 22, 22 5 27, 27 का 7 हासिल आई 2, 11 6 66, 66 2 68, 68761 हो गया, बसरते ये जीरो से यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब एक्चुअली में यदि आप इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में खत्म करना चाहते हैं तो कैसे इस क्वेश्चन सॉल्व होता, सबसे पहली बात वो बताते हैं। ये तो आपका रहा ही तरीका, हमने इसमें भी सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन आपको टाइम बचाना है, इसमें 20 से 25 सेकंड का समय लगेगा आपको यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, लेकिन हमको अपना समय बचाना है, तो देखिए कैसे। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है यहां पर कि यदि 6650 रुपए है, यहां पर जो मुद्रित मूल्य 6650 रुपए है, इसका डिस्काउंट कितना दिया गया आपको, 6%, यानी हमें कितना निकालना है, 94% अपॉन 100, इसी जो 94% निकल के आ रहा है। अब इसे आप 100% मान के चलिए, यदि आप इसे 100% मान लेते हो तो हमें पता चलेगा यहां से कि अब इस पर हमें क्या पे करना है, 10% का टैक्स भी पे करना है, यानी विक्रय कर भी पे करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 110/100, यानी 110% हो जाएगा। इसे 100% मान लिया, अब 10% का टैक्स जो दिया हमने, तो 110/100 हो जाएगा। आप इस प्रकार से एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो, आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जीरो से जीरो कट जाएंगे दोनों। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आप इसे काट देते हो तो डायरेक्टली आपका 6876.1 आ जाएगा, समझ पा रहे होंगे आप, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम बताते हैं आपको कि आपको इस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से एक ही लाइन में सॉल्व कर लिया आपने। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, मैंने आपको बताया था कि जो अर्थमैटिक डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में डिपेंड करता है। आप कितना सोच पाते हो, आप कितना समझ पाते हो, इस पर डिपेंड करता है आपका अर्थमैटिक। अर्थमैटिक सिर्फ और सिर्फ अर्थमैटिक है जो आपका कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी, अर्थमैटिक भी आपका उतनी ही जल्दी सॉल्व होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपकी कैलकुलेशन ठीक रही होगी तो आपका क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेगा।
क्योंकि हमने आपको इतने समय को बचाया है, इसमें हमने डायरेक्ट आपको एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एबी रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है और यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि तीन पर्दे बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा $8 प्रति गज के हिसाब से बिकता है और केवल पूर्ण गज के रूप में खरीदा जा सकता है। यदि प्रत्येक पर्दे के लिए आवश्यक कपड़े की लंबाई 1.6 गज है और सभी कपड़ा एकल लंबाई के रूप में खरीदा जाता है, तीन पर्दों के लिए आवश्यक खरीदे गए कपड़े की कुल कीमत क्या है? कुल कीमत क्या है? तो हमें क्या दे रखा है कि यदि 1.6 गज कपड़े में क्या बन रहा है, एक पर्दा बन रहा है, 1.6 गज कपड़े में एक पर्दा बन रहा है, तो तीन पर्दे बनाने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा? तीन पर्दा बनाने के लिए आपको तो जो आपका कपड़ा खर्च होगा वो 4.8, यानी तीन पर्दा बनाने के लिए आपका जो कपड़ा खर्च होगा वो 4.8 गज होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें पूर्ण गज यानी पूर्ण गज कपड़ा लिया जाएगा, यानी ऐसा नहीं है आपको 4.8 गज कपड़ा दिया जाए। तो यहां पर आपको पूरा कितना कपड़ा लेना पड़ेगा? 5 गज। तो इसी कपड़े की जो एक गज कपड़े की कीमत है वो $8 है, तो 5 गज कपड़े की कीमत कितनी हो जाएगी? $40। जो 5 गज कपड़े की कीमत होगी आपकी वो $40 होगी। एक्चुअली में इसमें स्टूडेंट करता क्या है, 4.8 में आपका 8 का मल्टीप्लाई कर देता है, बस इतना सा इसमें पकड़ना है। इसमें कह रखा है कि यदि वो पूर्ण गज कपड़ा ही लेना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि वो एकड़ गज की बात कर रहा था कि यदि आप 4.8 भी काट दे कपड़ा, नहीं, आपको या तो 4 गज लेना पड़ेगा या 5 गज या 6 गज, यानी पूर्ण गज में आपको कपड़ा लेना पड़ेगा। बस इतना सही समझने की बात थी इसमें। इस माध्यम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक मशीन के मूल्य में हर वर्ष 10% ह्रास आता है, इसका मतलब कमी आती है। ह्रास का मतलब होता है कमी आना, ह्रास आता है। इसे 3 वर्ष के पहले क्रय किया गया था, यदि इसका वर्तमान मूल्य 47-48 रुपये हो तो इसका क्रय मूल्य क्या था? यानी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 3 साल पहले किसी वस्तु की कीमत क्या रही होगी, यदि 10% का हर साल लॉस आता रहा हो तो अब उसकी कीमत कितनी रह गई हो? 47-48। तो अब बात करते हैं यदि 47-48 इसकी कीमत रह गई हो तो इस क्वेश्चन में 87 और 48 यानी 8,748। अब हम मान के चलते हैं कि यदि उसकी कीमत पहले x रही हो, यदि उसकी कीमत कितनी रही हो x, यदि उसकी कीमत पहले x रही हो तो उसे 10% का लॉस होता है अगले साल, यानी हमें कितना परसेंट निकालना है? 90%, क्योंकि 10% का क्या हो गया? लॉस। अब जो ये परसेंटेज निकल के आया आपका 90%, ये अपने आप में अगले साल कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। 100% हो जाएगा तो फिर हमें उस 100% का कितना निकालना है? 90%, क्योंकि 10% का लॉस हो जाता है, 90/100। अब ये अपने आप में 100% हो जाएगा तो हमें इसका भी अगले साल के लिए 90% निकालना है, क्योंकि 10% का लॉस हो जाता है। अब बात करें जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा, इसका मान दे रखा है क्वेश्चन में 47, 87 और 48, 8,748। यदि ये मान क्वेश्चन में देख रखा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, ये 0 से 0 जाएगा, ये 0 से 0 जाएगा और इस 0 से 0 चला जाएगा। अब यदि हम इसकी कैलकुलेशन करें तो इसमें क्या होगा, एक्चुअली में x इक्वल टू 47
सतासी अड़तालीस इंटू 1000 अपॉन 81 इंटू 9। अब यार यदि आप यहाँ से इसे काट देते हो तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये एक्चुअली में कटेगा कितने बार, यदि आप इसे 729 इस 729 का इसमें डिवाइड करते हो तो ये 12 टाइम्स जाएगा। देखिए कैसे, ये 729 है, आप देखिए कि समथिंग समथिंग कितना जा रहा है 729। ये आप एक एक करके भी काट सकते हो, जैसे 9 से इसे काट दोगे एक बार तो ये 9 81 एट टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, या 1 बचे या 6 बचेगा 64 आएगा, या 9 7 63 60 टाइम जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, 9 2 18 इसे 81 से काटोगे तो कितने बार जाएगा डायरेक्टली 1 टाइम जाएगा, और यहाँ पर से कितना बचेगा तो ये 2 टाइम चला जाएगा, तो जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो 12000 आ जाएगा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपकी कैलकुलेशन है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आपका गुणा भाग और जोड़ आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। यदि आप पर नहीं आते तो गुणा का आप हमारे वीडियो देख सकते हो और भिन्न का भी वीडियो देख सकते हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाए। तो चलते हैं, देखिए हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन और दूसरी लाइन में सॉल्व कर दिया। यदि आप उसे उस तरीके से क्वेश्चन को जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को करने में लगभग 30 से 40 सेकंड का समय ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं, आपने डायरेक्ट यहां से लिखा और डायरेक्ट काट दिया और आपने डिवाइड कर दिया, वही आपका आंसर आ गया। मैं क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूं आपको, ऐसी क्वेश्चन मैं भी जानता हूं कि स्टूडेंट लगभग कर ही लेता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं बता रहा हूं कि इसमें हल्का हल्का सा कंसेप्ट है जिसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ कमाता है, यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपये ज्यादा लेता तो वह 40% लाभ कमाता। एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक फल विक्रेता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको हल्का सा समझने की जरूरत है बस, यदि आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है एक्चुअली में कि एक फल विक्रेता एक फल को बेच करके यदि 20% का प्रॉफिट कमाता है, यानी वो फल यदि 10 रुपये का होगा तो उसमें 20% का प्रॉफिट कमाता है एक फल को बेच करके। यदि वो फल कितना का रहा होगा 10 रुपये का, तो वो फल को कितने का बेच रहा है 12 रुपये का। लेकिन उस क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर प्रॉफिट कितने का होगा 2 रुपये का। अब वो कह रहा है कि यदि वो हर फल की कीमत 1 रुपये से बढ़ा दे तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाता है 40% प्रॉफिट हो जाता है। 1 रुपये बढ़ा दे, 1 रुपये कीमत यदि 1 रुपये कीमत बढ़ा दे तो उसका प्रॉफिट 40% हो जाता है, यानी यहां पर 2 रुपये में 20% हो रहा है लेकिन यहां 1 रुपये में कितना हो रहा है बढ़ के 40%, यानी 20 पहले का और 20 1 रुपये से बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं हम यदि 20% 1 रुपये से बढ़ रहा है और यहां पर 20% 2 रुपये से बढ़ रहा है, यानी इसकी जो कीमत रही होगी वो यहां पर 5 रुपये रही होगी, तो इसने इसको कितने में बेचा होगा 6 रुपये में, क्योंकि 6 रुपये में बेचने पर ही यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा 1 रुपये का। यदि 5 रुपये की किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचता है तो वो 6 रुपये में बेची जाएगी। यदि वो 1 रुपये इसकी कीमत बढ़ा दे, यानी यदि इसे 7 रुपये का वो बेचने की कोशिश करे 5 रुपये से, तो 5 का जो 2 रुपये आएगा वो कितना हो जाएगा 40% होगा। आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते थे कि 1 रुपये कीमत बढ़ाने से उसकी कीमत 40% हो रही है, यानी 1 रुपये की जो परसेंटेज है वो 20% है। तो बस इस चीज से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना होगा 6। उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा सा पॉइंट था बस कि वो 1 रुपये को कितने परसेंट में बेच रहा है 40% का प्रॉफिट हो रहा है, यदि 1 रुपये कीमत बढ़ा दे, यानी 20% पहले ही प्रॉफिट उसे हो रहा था लेकिन अब वह 20% और बढ़ा दिया तो कितने का कीमत हो रहा है 40% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1 रुपये का मतलब 20%, तो 6%
6 रुपये कीमत हो जाएगी उसकी 20% प्रॉफिट के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सिंध अली। तो आज के लिए इतनी क्वेश्चन का पे, कल से आपके लिए लेवल के क्वेश्चनों को बढ़ाएंगे, कल से आपके सीरियल प्री और मैं सीरियस इस लेवल के भी क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतने काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।